तो आज के इस लेक्चर में हम एक क्रोन जॉब क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली ट्रायल सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने का काम करेगी। क्या होता है कि अभी हमारा ट्रायल स्टार्टिंग में बाय होता है, जब भी कोई न्यू यूज़र होता है तो ट्रायल होता है हमारा 5 डेज का या जो भी डेज का आपने लगा रखा हो, तो उस डेज के बाद तो उसको हमें रिन्यू करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन को। तो वो कैसे क्रिएट करनी है क्रोन जॉब, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी क्या है कि हमारे लिए जो क्रोन जॉब रन करने के लिए पैकेज चाहिए होता है, तो पैकेज अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है यहाँ पर। अभी कोई पैकेज ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है क्रोन करके, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है, तो अभी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले पैकेज। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पर, तो यहाँ पर जो है मैं इंस्टॉल करूँगा npm i क्रोन। तो ये बेसिकली हमारा पैकेज रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, जो भी इसलिए एक तरीका होता है उसी वे को हम यहाँ पर फॉलो करके चलेंगे। यहाँ पर हमें ना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, लाइक आप कुछ भी अपना नेम रख सकते हो फोल्डर्स का, क्रोन जॉब्स या जॉब्स, मैंने यहाँ पर जॉब्स रख लिया है। अब इस जॉब्स के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ फाइल्स बनाएंगे, जैसे एक तो रहेगी इसकी index.js, सॉरी यहाँ पर ये गलत बन गई, यहाँ पर आएगा index.js। इसमें क्या होगा, हमारी जो भी जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी यहाँ पर स्टार्ट होंगी, जो भी सॉरी फाइल्स नहीं सॉरी क्रोन जॉब्स। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो नोड मॉन करके स्टार्ट कर देता हूँ, तो नोड मॉन को हम स्टार्ट कर देते हैं साइलेंटली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नेम हम रख सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हो आप इसका। मैंने यहाँ पर रख लिया लाइक रिन्यू रिन्यू ट्रायल, या कुछ भी आप रख सकते हो, रिन्यू ट्रायल डॉट जी एस मैंने रख लिया इसका नेम। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले अपना रिक्वायर करेंगे हम अपना पैकेज, तो रिक्वायर हम करने वाले हैं क्रोन को, तो यहाँ पर क्रोन एंड इसमें से हम जो है क्रोन जॉब को निकाल लेंगे, तो क्रोन जॉब, तो ये बेसिकली हमारा निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रोन जॉब बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट, हम क्रिएट करेंगे क्रिएट अ न्यू क्रोन जॉब, एंड यहाँ पर जो है हमें लाइक मैं चाहूंगा कि ये पर मिनट्स जो है चेक करे, या पर 5 मिनट्स भी लगा सकते हो, जैसे मैंने पर मिनट्स के लिए स्टार 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 स्टार, आपको 5 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये आपका पर मिनट चलने वाला। जैसे आप 5 मिनट के लिए चलाना चाहते हो तो आप *5, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप 10 मिनट का इस तरीके से चला सकते हो, मैं 1 मिनट के लिए चलाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम असिंक का वेट का यूज करके चलेंगे, तो हम यहाँ पर असिंक मेथड जो है क्रिएट करने वाले हैं, फेटर मेथड इंटरनल, एंड यहाँ पर जो है हमारा लॉजिक होगा, लाइक मैं यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रायल लाइक, या हम ऐसे कर सकते हैं रिन्यू रिन्यू ट्रायल क्रोन स्टार्टेड, ये मैंने यहाँ पर जस्ट मैसेज शो करा दिया है जस्ट कंसोल कराने के लिए। अब यहाँ पर जो है हम ट्राई कैच वगैरह भी यूज करके चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि कुछ एरर वगैरह भी आ सकती हैं बाद में, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर हैंडलिंग करके चलनी चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर जो है आप एरर डॉट मैसेज करके जो है अपना जो भी एरर होगा उसका मैसेज जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक वेरिएबल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमें एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया, कुछ भी आप नेम रखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया रिन्यू ट्रायल, और यहाँ पर जो है मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट, जैसे कि मैं इसे index.js में यूज कर पाऊँ, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू रिन्यू ट्रायल। तो ये हमारा रेडी है, यहाँ पर हमारा लॉजिक होने वाला, जो भी हम रिन्यू ट्रायल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं index.js में आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिक्वायर करेंगे हम अपनी जो भी क्रोन जॉब हमने क्रिएट की है तो वो हमें फाइल यहाँ पर रिक्वायर करनी पड़ेगी, तो जॉब्स के अंदर जाइए और रिन्यू ट्रायल आपका आ चुका है। एंड यहाँ पर जो है आपका हमें बेसिकली यहाँ से डॉट डॉट स्लैश करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट यहाँ से हम डॉट स्लैश करके भी अपना रिन्यू ट्रायल निकाल सकते हो। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब आप यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है, मैंने यहाँ पर रख लिया लाइक रिन्यू अंडरस्कोर ट्रायल, और ये मैंने यहाँ पर रख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक मेथड बना लिया लाइक स्टार्ट जॉब्स करके,
और ये हमारा बन गया फेटरो मेथड। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो रिन्यू ट्रायल थी इसको हम कर देंगे जॉब को स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारी जो क्रोन जॉब है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। रिन्यू ट्रायल डॉट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया। ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मिला, तो हमारे पास स्टार्ट मेथड का बेसिकली एक्सेस आ चुका है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, अपनी सब्सक्रिप्शन सॉरी क्रोन जॉब जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेथड जो है स्टार्ट जॉब, इसको हमें कहाँ कॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप इसको एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, और आपका ये स्टार्ट जॉब्स आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब आ जाइए आप अपने सर्वर डॉट जे एस या इंडेक्स डॉट जे एस या आपकी एप डॉट जे एस जो भी फाइल है आपकी, उसमें आ जाना है आपको। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे टॉप पर यहाँ पर आप सबसे पहले रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर एंड डॉट स्लैश जॉब्स, जॉब्स के अंदर आपका इंडेक्स। तो यहाँ पर ये यह आपको मिल चुका है। एंड यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट जॉब इसको वेरिएबल में हमने बेसिकली यहाँ पर बना लिया ये वेरिएबल। अब आप इस वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। तो अब आपको क्या करना है, इस स्टार्ट जॉब्स को आप कॉल कर लें यहाँ पर, जब भी आपकी एप्लीकेशन हो रही है, जब भी आपका कंसोल शो हो जाता है, तो जस्ट उसके बाद में आप अपनी क्रोन जॉब्स को स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, जब भी आपको बेसिकली मल्टीपल अगर क्रोन जॉब्स हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल अपनी क्रोन जॉब्स को रिक्वायर करें और उनको स्टार्ट कर दें, तो अब आपका क्या होगा, सर्वर डॉट जेएस में जैसे आपकी ऐप स्टार्ट होगी उसके बाद आपकी जॉब्स भी स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है लॉजिक लिखने की, कि हम यहाँ पर लॉजिक क्या लिखें। देखिए यहाँ पर जो हमें क्या करना है, अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को मैं ओपन करता हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यूजर को मिलता है ट्रायल। तो जैसे कि यहाँ पर अभी मान के चलो यही आप देख सकते हो डेटा, मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ इसको साइड में, कैसे करूँ, चलो यहाँ से इसको कर देता हूँ साइड में इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो अगर दिखाई दे रहा है तो आपको, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, यहाँ पर ट्रायल एंड मिलता है हमें। जब स्टार्टिंग में अगर यूजर को ट्रायल मिलता है तो ट्रायल एंड यहाँ पर क्या होता है, डेट होता है डेट, वरना इसमें क्या होता है, नल स्टोर होता है। अगर हम किसी में देखें तो यहाँ पर देख सकते हो नल स्टोर है इसके अंदर, इसमें ट्रायल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हमें वो डेटा निकालने हैं जिसका स्टेटस एक्टिव हो। अभी ये कैंसल्ड है, इसका ट्रायल एंड कैंसिल हो चुका है, मीन्स ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो चुकी है, नॉर्मली बात है। तो हमें क्या करना है, स्टेटस एक्टिव हो, कैंसल फॉल्स हो एंड ट्रायल एंड नल हो, वो हमें डेटा चाहिए। और हमें एक और केस लगाना पड़ेगा, ये जो प्लान पीरियड एंड है ये लेस देन होना चाहिए अभी जो करंट डेट टाइम चल रहा है उससे, तभी हम प्रॉपर तरीके से अपना बेसिकली ट्रायल वाले डेटा को निकाल पाएंगे। हम जस्ट यहाँ से ट्रायल वाले डेटा को निकाल रहे हैं, जो भी ट्रायल यूजर सभी चल रहे हैं हमारे ऐप पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपने पैकेजेस जो हैं रिक्वायर करने पड़ेंगे, सॉरी पैकेजेस क्यों बोल रहा हूँ, अपने मॉडल्स। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल की, तो कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शन डिटेल डिटेल इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ से हम जो है अपना मॉडल रिक्वायर करेंगे, तो डॉट स्लैश मॉडल्स एंड अपना सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल। एक हमें चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल, तो यहाँ से मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल भी मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स बन चुके हैं मॉडल के। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करंट डेट टाइम चाहिए। देखिए अभी मैं क्या करूँगा, ये जो क्रोन जॉब है हर एक मिनट पर चलेगी, तो मैं इतना इंतजार नहीं करूँगा। मैं जस्ट क्या करता हूँ, अभी लॉजिक जो है हम चेक करने के लिए हम किसी लाइक किसी जो मतलब एपीआई है ऑलरेडी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कौन सी एपीआई हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेट प्लान्स है, गेट प्लान्स में ही मैं थोड़ा जस्ट टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ पर गेट प्लान्स का मेथड ये रहा, तो यहाँ पर जो है जस्ट मैं लॉजिक ट्राई करूँगा अपना, जो भी लॉजिक है फिर मैं उसको क्रोन जॉब में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को हर बार वेट ना करना पड़े एक मिनट का। तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट या हम क्रोन सब्सक्रिप्शन स्टार्ट एंड एंड, तो यहाँ पर इसके बीच में मैं कोड करूँगा और जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं जस्ट यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, जस्ट टेस्टिंग के लिए। जैसे ही हमारा पता चलेगा कि हमारा लॉजिक सही है तो उसको मैं क्रोन जॉब में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है अपना डेट निकालेंगे हम, जो भी हमें करंट डेट चाहिए, क्योंकि हमें अपना डेट का चेक लगाना हुआ है, जो भी हमारा लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पर समझिए सबसे पहले मेरा लॉजिक क्या है,
कि यहाँ पर हमें निकालना है स्टेटस एक्टिव, मींस ऐसे हमें ट्रायल निकालने हैं जो ट्रायल यूजर्स हैं जिनका स्टेटस एक्टिव हो, कैंसल फॉल्स हो, मींस वो अभी कैंसल नहीं है, ट्रायल एंड नॉट नल हो। ट्रायल एंड नॉट नल होगा मींस कि वो ट्रायल पर नहीं, सॉरी ट्रायल पर हैं वो बंदे, मींस कि अगर ट्रायल एंड नल होगा तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रायल पर नहीं होंगे, अगर ट्रायल एंड उसमें होगा डेट वगैरह डली होगी तो मींस कि वो ट्रायल पर होंगे। और यहाँ पर एक साथ में हमें एक और चेक लगाना होगा कि जो प्लान पीरियड एंड है, मींस अगर आपका 5 दिन का ट्रायल बनता है तो जो भी आपके यहाँ पर डेट आएगी, जैसे यहाँ पर 20 से लेकर के 26 तक का जो है बना है, तो ये ट्रायल पीरियड जो प्लान पीरियड एंड है वो लेस देन होना चाहिए जो कि करेंट डेट टाइम है उससे, तभी तो आपका पता चलेगा कि वो ट्रायल एक्सपायर हो चुका है। ट्रायल एक्सपायर करने के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं प्लान पीरियड एंड लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डेट निकाली, लाइक हमारा यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाया लाइक करेंट डेट करके, और इसको जस्ट हम लॉक करा लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि करंट डेट टाइम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जस्ट मैं लॉक करा लेता हूँ करंट डेट टाइम, ये हट नहीं रहा करंट डेट टाइम, जो कि यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जस्ट मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि कंसोल पर आपका क्या शो हो रहा है डेटा। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ नोड मन को, एंड हम क्या करते हैं सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा तभी मैं गेट प्लान्स को कॉल कर पाऊंगा। तो यहाँ से मैंने टोकन कॉपी किया और मैं आया गेट प्लान्स में वीएरआर, यहाँ से मैंने अपना टोकन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर अभी देखिएगा कंसोल पर क्या होता है, जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ पर देख सकते हो करंट डेट टाइम इसने दिया इस तरीके से जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, कहाँ गया ये रहा न्यू डेट। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये प्रॉपर हमें चेक करना पड़ेगा कि लेस देन होना चाहिए अपना, ये बेसिकली उसमें कन्वर्ट कर लेगा जैसे हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम अपना क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी क्वेरी रेडी करूंगा, सब्सक्रिप्शन डिटेल में हमें पास करना है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर मॉडल ऊपर है या नहीं अभी अपना चेक करना पड़ेगा वेरिएबल, सॉरी सब्सक्रिप्शन डिटेल नॉट मॉडल। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल यहाँ पर आएगा, सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट फाइंड करेंगे हम। अब देखिए फाइंड में हमें क्वेरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेरी मैं जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ बाहर ही, अवेट हम यहाँ पर यूज करके चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट क्वेरी इक्वल टू एक मैंने ऑब्जेक्ट रेडी किया क्वेरी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को जो चेक लगाना है वो मेरे को चेक लगाना है स्टेटस क्या होना चाहिए उसका, एक्टिव होना चाहिए फर्स्ट केस ये है, एंड कैंसल क्या होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, मींस कैंसल ट्रू नहीं होना चाहिए, एंड उसका जो प्लान पीरियड एंड है प्लान पीरियड एंड उसका क्या होना चाहिए प्लान पीरियड एंड लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे डॉलर एल टी, एल टी मीन्स लेस देन। तो यहाँ पर जो है करेंट ये जो वेरिएबल है आपका करेंट डेट, तो हम इसका जो है यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये इसलिए आ जाएगा प्रॉपर। एंड यहाँ पर जो है हमें एक और केस लगाना, ट्रायल एंड क्या होना चाहिए नॉट इक्वल होना चाहिए डॉलर एनी किसके नल के। तो ये जो है हमारी क्वेरी हमारी रेडी है कि यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन कर दी, स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, कैंसल फॉल्स, प्लान पीरियड एंड लेस देन होना चाहिए करंट डेट से, एंड अपना ट्रायल एंड जो है नॉट इक्वल होना चाहिए नल के। अब यहाँ पर जो है मैंने प्रोवाइड कर दी अपनी क्वेरी और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है लाइक मैंने बनाया एक्सपायर लाइक एक्सपायर ट्रायल सब्सक्रिप्शन, ट्रायल सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू या ट्रायल सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं क्योंकि ये एरिया आएगा। अब मैं क्या करता हूँ जस्ट यहाँ पर जो है रिटर्न करा देता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं ओनली, क्योंकि एक एक मिनट कौन इंतजार करेगा। तो सर्वर लेसन हो चुका है, मैं यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ हमारे डेटा नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या है अगर आप डेटाबेस में जाओ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला रिकॉर्ड, मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ थोड़ा जूम आउट भी कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो कैंसल्ड है, तो हमारी ये क्वेरी में मैच नहीं करा, और इसमें भी कैंसल्ड है तो ये भी मैच नहीं करा, ये भी कैंसल्ड है, तो तीनों ही कैंसल्ड है, तो ये तीनों मैच नहीं करे। मैं क्या करता हूँ एक बार इस टेबल को क्या करता हूँ रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये सॉरी डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो दो रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट कर दिए लास्ट, ये अपना ये भी डिलीट कर दिया।
अब सबसे पहले मैं ट्रायल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं टोकन कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली क्रिएट सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर मैंने टोकन डाल दिया, अब मैं स्ट्राइप कार टोकन में जाऊँगा और यहाँ से अपना टोकन जनरेट करेंगे कार टोकन। तो ये जनरेट हुआ, इसको हम यहाँ पर जो है क्रिएट सब्सक्रिप्शन में पास करेंगे। अब प्लान की आईडी अगर देखी जाए तो यहाँ पर मंथली हम प्रोवाइड कर देते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है कहाँ गए डेटाबेस, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं मंथली प्लान की जो है आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं मंथली का ट्रायल लेते हैं, तो देखते हैं कि ट्रायल हमें मिलता है या नहीं। ट्रायल मिल जाना चाहिए, देख सकते हो तो यहाँ पर आपका ट्रायल एंड भी आ चुका है, प्रॉपर है। तो अगर यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पे अगर देखोगे, मैं यहाँ से जो है गेट प्लान वाली पर जाता हूँ टेस्टिंग के लिए जो हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी डेटा नहीं आया। क्योंकि क्या हुआ कि अगर यहाँ पर अगर हम इस सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में आए रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर बाकी सारे केसेस जो है मैच कर रहे थे, जैसे स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, कैंसिल फॉल्स होना चाहिए, ट्रायल एंड नॉट इक्वल नल होना चाहिए, बट यहाँ पर एक केस मैच नहीं करा कि ये जो प्लान पीरियड एंड है वो लेस देन होना चाहिए आपका करंट डेट टाइम से। तो यहाँ पर जो है करंट डेट टाइम बेसिकली इस तरीके से आ रहा है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं लाइक चेंज करता लाइक इसको, मैंने जैसे अभी कर दिया, अभी जो डेट चल रही है वो चल रही है, क्या चल रही है यहाँ पर 28। अब जैसे मैंने इसको कर दिया 05 और यहाँ पर लाइक मैंने 27 कर दिया, मान के चलो 27 को ये एक्सपायर हो गया, ट्रायल एंड जो है एक्सपायर हो गया आपका, प्लान पीरियड एंड इसका क्या हो गया, ट्रायल जो भी आपका चल रहा था वो एक्सपायर हो गया। और इसको अगर मैं सेंड करता हूँ यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, देख सकते हैं कि आपका डेटा प्रॉपर मिल पा रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लान पीरियड एंड 27 तक हमने कर दिया डेटाबेस में मैनुअली जा करके। अब बाय द वे ये आगे आगे चलता रहता तो क्या होता, क्रोन जो हमारी टेस्ट करती रहती कि अभी इस यूजर का ट्रायल एंड सॉरी प्लान पीरियड एंड एक्सपायर हुआ है या नहीं, वो टेस्ट करता रहता। तो प्रॉपर है, अब जैसे लाइक मान के चलो यहाँ पर मैंने 27 कर दिया था, तो अभी प्रॉपर है आज 28 डेट हो गई है, तो यहाँ पर 27 का ये प्लान पीरियड एंड हो चुका है और हमारी क्वेरी जो है परफेक्ट वर्क कर रही है। और यहाँ पर मैं दोबारा सेंड करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये प्रॉपर लॉजिक आपका बन पा रहा है। तो ये तो हमारा लॉजिक बन गया कि हमें वो बेसिकली डेटा डेटा मिल जाएगा जो कि जिनका प्लान जो है एक्सपायर्ड हो चुका है ट्रायल का, वो हमें डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो अब हमें करना क्या होगा, जैसे मिल जाता है डेटा उस केस में हमें क्या करना होगा, जैसे अभी हमें क्या मिलेगा एरे ऑफ डेटा मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा फोर लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर एक्सपायर ट्रायल सब्सक्रिप्शन हैं एंड एंड उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है 0 से, मीन्स की डेटा है एक्सपायर ट्रायल सब्सक्रिप्शन वेरिएबल में एंड उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है 0, मीन्स की उसमें कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है, कोई एक ट्रायल यूजर एक्सपायर हो चुका है या कोई एक से ज्यादा ट्रायल यूजर एक्सपायर हो चुका है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं फोर लूप यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर लाइक लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, और यहाँ तक कहाँ तक चलाएंगे हम एक्सपायर ट्रायल सब्सक्रिप्शन डॉट लेंथ तक, और यहाँ पर जो है हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि हम इनका क्या करने वाले हैं, रिन्यू करने वाले हैं। तो रिन्यू करने के लिए हमें चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन प्लान, तो हमें कैसे चाहिए होगा, तो सब्सक्रिप्शन प्लान की डिटेल्स हमें कैसे मिल सकती हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी के बेस पर कि इस यूजर ने किस प्लान को बाय किया हुआ है, मीन्स मंथली को बाय किया हुआ है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा और कैसे हमें मंथली को रिन्यू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा एक्सपायर ट्रायल सब्सक्रिप्शन है इसका हम आई इंडेक्स पर से डेटा निकाल लेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर आई इंडेक्स का हमें डेटा दे दो, जो भी हमारा आई इंडेक्स पर चल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक वेरिएबल सब्सक्रिप्शन इक्वल टू, तो ये हमारी जो करंट सब्सक्रिप्शन है उसका डेटा मिल जाएगा। अगर आपको यकीन करना है तो आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो सब्सक्रिप्शन का। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, मैं लॉग में शो कराऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टार्ट होने देता हूँ आपको, स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक डेटा आना चाहिए, मैंने यहाँ से सेंड किया, तो यहाँ पर इसको एक डेटा मिल रहा है क्योंकि ये एक्सपायर है, क्योंकि हमने मैनुअली डेटाबेस में जाकर के एक्सपायर कर दिया, प्लान पीरियड एंड को हमने कर दिया एक डेट मीन्स 27 तारीख कर दिया इसलिए, क्योंकि आज 28 थी। तो अब यहाँ पर ये तो आपको डेटा मिल रहा है, प्रॉपर लूप के अंदर आ रहा है।
अब हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन जो वेरिएबल था, ये जो सब्सक्रिप्शन नाम का वेरिएबल है, इस पर से हम जो है अपना ये डेटा निकाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी का। तो डॉट सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी, तो अब हमें क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट फाइंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अगर हम प्लान्स में जाएं तो यहाँ पर हमारा स्ट्राइप प्राइस आईडी की के बेस पर मैच करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्राइप प्राइस आईडी कॉपी करा मैंने, तो यहाँ पर मैंने स्ट्राइप प्राइस आईडी कॉलन सब्सक्रिप्शन डॉट सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी, इससे क्या होगा मेरे को मिल जाएगा, अवेट का हम यूज करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन प्लान। तो कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शन प्लान इज इक्वल टू आपका सब्सक्रिप्शन प्लान मिल चुका है। अब देखिए ये आई थिंक मॉडल नेम हमने यही दिया हो, स्टार्टिंग में चेक कर लेता हूँ, हाँ यही है। तो हमें मिल चुका है सब्सक्रिप्शन प्लान का डेटा। अगर आपको ये भी चेक करना है कि ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं डेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान। अभी इसने कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान बाय किया था, ट्रायल के लिए मंथली। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं जस्ट नीचे आपको लॉग में शो कराऊंगा, तो यहाँ पर जो है मंथली के डेटा आना चाहिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान के। तो यहाँ पर मैंने सेंड किया, यहाँ पर देख सकते हो आपका मंथली प्लान बाय किया था, तो एक डेटा मिला, एक ही ट्रायल यूजर था तो उसने मंथली प्लान बाय किया हुआ था, तो ये हमें सब्सक्रिप्शन प्लान का भी डेटा प्रॉपर मिल गया। तो अभी ये प्रॉपर है, अब हमें क्या करना है, इस प्लान को रिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि मंथली हो, यहाँ पर आपका ईयरली भी हो सकता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है, तो हमें तीनों केसेस चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ कंडीशन सब्सक्रिप्शन, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन वेरिएबल है इसका हम यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन डॉट, एंड हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल में आए तो यहाँ पर हमने प्लान इंटरवल लिया हुआ है, इसका हम यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन डॉट प्लान इंटरवल इक्वल इक्वल मंथ है, देन हमारा ये केस चलेगा, वरना हम else if एक और बनाएंगे, एक else if इसके लिए होगा ईयरली के लिए, तो ईयरली के केस में होता है आपका ईयर, एंड लाइफ टाइम के केस में होता है आपका लाइफ टाइम, तो यहाँ पर भी आपका else if चलेगा, else नहीं रहेगा क्योंकि एल्स कोई पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका मंथ हो गया, ईयर हो गया, लाइफ टाइम हो गया, तो ये तीन केसेस बनते हैं आपके, या तो आप किस प्लान को एक्टिव रिन्यू करने जाओगे, या तो आप मंथ को रिन्यू करने जाओगे, मान के चलिए इस यूजर का तो मंथली रिन्यू, मंथली इसने ट्रायल लिया हुआ था, तो मंथली का केस में ये वाली इफ कंडीशन चलेगी। किसी ने ईयर लिया होता, ईयर पर उसका ट्रायल चल रहा होता तो वो ये कंडीशन में आता, लाइफ टाइम चल रहा होता तो वो इस कंडीशन में आता। अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रिन्यू हमें मेथड्स कैसे क्रिएट करने हैं, हेल्पर मेथड्स होंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा लॉजिक था ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसको हम क्या करते हैं, जस्ट कट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसलिए इस एपीआई का काम नहीं था, ये तो हमारी क्रोन जॉब का काम था, तो इसको हम डाल देंगे अपने क्रोन जॉब के अंदर, क्योंकि ये हमारा लॉजिक टेस्टेड है, तो इसको हम यहाँ पर इस ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं। देखिए ये एक तरीका मैंने बताया जस्ट टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक एक मिनट कौन इंतजार करता, बाकी क्रोन जॉब तो आपकी रन हो ही रही है, प्रॉपर है, अगर आपको टेस्ट करनी है तो आप टेस्ट कर सकते हो, बाकी परफेक्ट रन हो रही है क्रोन जॉब। और आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें उसमें जो है ये रिन्यू मेथड्स क्रिएट करने हैं, हेल्पर मेथड्स। तो थैंक यू।